हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न किचन गार्डनिंग विद उत्सव। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पोर्चुला का कि क्या क्या टिप्स है, अभी तक कब तक ये फ्लावरिंग करेगा, तो इसकी क्या क्या टिप्स है, इसके क्या फर्टिलाइज़र दें और इसको कैसे प्रोपागेट करें, साल भर के लिए इसको कैसे बचा के रखें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न किचन गार्डनिंग विद उत्सव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास ये पोर्चुला का इतने पॉट्स में लगा हुआ है, हम आपको सारे पॉट्स नीचे उतार के दिखा देते। ये देखिए, एक में लगा, दो, तीन, चार, पाँच, टोटल ये पाँच में लगा है। तो देखिए आप कितनी खूबसूरती बिखेरता है इसको। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो भी आप इसको, और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको, थोड़ी सी जगह बिल्कुल कुछ केयर नहीं मांगता, थोड़े से में ग्रो हो जाता है। अगर हम इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो आप इसको साल भर, जैसे अभी ये सितंबर अक्टूबर, जब भी फ्लावरिंग बंद कर दे, तो जब भी ये फ्लावरिंग बंद कर दे तो आप इसको सारे पॉट्स में से निकाल कर इसको एक पॉट में ऐसे में लगे रहने दे साल भर तक, कुछ ऐसी डोरमेंसी में चला जाएगा। उसके बाद वापस से फिर जब फरवरी आएगा तब फिर आप इसको बाकी की जगह पर लगा दें। तो ये फरवरी पे आप लगाएंगे, गर्मी अच्छे से आ गई तो मार्च से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग अभी तक करेगा। देखिए लगातार इसके फूल मिलते हैं, किसी ने हमसे कमेंट करके पूछा था क्या कि इसके फूल भगवान को चढ़ते हैं। जी हाँ, भगवान को चढ़ते हैं, हम भी चढ़ाते हैं, किसी दिन हम आपको अपने भगवान की भी फ़ोटो दिखाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसके लिए अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में 10% कंपोस्ट के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसमें बीच बीच में फर्टिलाइज़र देना चाहें तो फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छा होगा, पोटैश रिच फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, जिसकी हमने बात करी थी आपसे एक वीडियो, हमने उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देखें, हम लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, आप इसी में वाइट कलर लगा सकते हैं, वाइट में पिंकिश लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, ऑरेंज लगा सकते हैं, येलो भी आता है येलो लगा सकते हैं, मतलब हर तरह का फूल लग जाएगा, रेड लग जाएगा। इतने से पॉट में लगा हुआ है, हम गहराई भी दिखा दें, और देखिए सॉइल भी कितनी आई है इसमें। आप इसको अगर आपके पास बड़ी बड़ी क्यारी है तो साइड में लगा दें, बड़े पॉट्स में साइड में लगा दें, बहुत ही अच्छा खूबसूरती बिखेरता है, ज़्यादा कुछ केयर तो मांगता नहीं है। फ्रेंड्स, इसके हम नाम भी बता देते हैं, कोई कोई लोग नाम में कंफ्यूज होते हैं, मॉसरोज, 9 o'clock, ऑफिस टाइम, इसके तीन नाम है, ठीक है, हिंदी में दोपहरिया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक केयर की टिप्स, एक केयर की बस बात है, आप ये देखें तो ये जो फ्लावरिंग हो चुकी है, आप इसको थोड़ा थोड़ा सा बस ऐसे बीच में कट करते रहें। अगर आप ऐसे इसको बीच बीच में कट करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से नए नए इसमें शूट्स ग्रोथ निकलेगी, बहुत ही अच्छे नए नए फ्लावरिंग करता है। तो ये देखिए, बस आपको ऐसे सिंपली ऐसे कट करते रहेंगे तो ये वापस से ऐसे हरे हरे न्यू शूट्स आते रहेंगे। बीच में आप कभी इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट दे सकते, किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते, गोबर खाद दे सकते। ये देखिए, या आप ऐसे सभी में ये हटा देंगे ना, अगर ऐसे ये देखिए ऐसे हटा देना है आपको, इसको कंपोस्ट बिन में ना डालें, ये बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होता है, कंपोस्ट नहीं बनेगी इसकी। अगर आप किसी पॉट में नीचे डाल देते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए, अभी जब फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसमें गेंदे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह न्यू वीडियो की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।